श्री गुरु गौरांग जयते वृंदावन महिमामृतम चतुर्थम शतकम। श्लोक प्रथम से लेके 100वें तक। बजते हुए नूपुरों एवं मेखला रज्जू के द्वारा उनकी श्री राधा सखियों की पादांगुली अति मनोहर हो रही है। वे श्रेष्ठ मणिमय केयूर व चूड़ाओं के साथ अति सुंदर नूपुरों की शोभा से विभूषित हो रही हैं एवं उनकी सुंदर स्थूल नितंब देश पर केश कुंतपच वेणी लता रूप से डोलायमान है। उसके नीचे प्रफुल्लित मल्लिका की विशाल माला है, उस पर मधुकर विचर रहे हैं। श्री राधा दासीगण सुंदर शंखवत त्रिरेखा युक्त कंठ में हार धारण कर रही हैं। उनके हस्त लाल कमलवत हैं, उनमें रत्नमय अंगुलियों की कांति विचरित हो रही है। वे नित्य किशोर अवस्था युक्त हैं, निपुणता की पराकाष्ठा को प्राप्त हैं एवं रति विलास आदि की महासंगीत विद्या जानने वाली हैं अथवा महासंगीत विद्या में अति निपुण हैं। श्रुति शिरोमणिगण उनकी चेष्टा को अणुमात्र भी नहीं जान सकते। समस्त गोप किशोरों की सुंदर वधुएं जिनके चरण कमलों की छाया भी नहीं देख पाती, ऐसे सर्व निपुणता की दासी गणों से श्री राधा सेवित हो रही हैं। उन युगल किशोर के प्रणयजात प्राण गाण पुलकावली रूप शोभायशालिनी सखियों के द्वारा वह श्री राधा कामावेश से महानंद में आकुल होने के कारण दिन रात सेवित हो रही हैं। श्री राधा अपनी सखी एवं प्रिय दासी गण स्वरूप तारा गणों में मानो अति अद्भुत ज्योति रूप सौभाग्य गण पूर्ण कला चंद्र रूप से प्रकाशित हो रही हैं। अहो अति अंग प्रति अंग से उच्छलित महा अद्भुत महागौर कांति की ही एकमात्र समुद्र की निज रसोत्सावक तरंगों से निहिल जगत को सम्यक रूप से प्लावित कर रही हैं। वह किशोर अवस्था के आरंभ काल में ही कोमल अंगों की गठन आदि के माधुर्य से विस्मयजनक स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर कांतिमय प्रेम तरंगों के द्वारा सब दिशाओं को पूर्ण कर रही हैं। संपूर्ण अति विशुद्ध मत्तकारी महा आस्वादन योग्य श्रृंगार स्वरूप के द्वारा पशु पक्षी वृक्षों लता आदियों को भी बार बार मोहित करती हैं। लक्ष्मी गौरी आदि समस्त दिव्य नारी गणों के रूप जिनके महारूप सागर के एक बिंदु के समान हैं, वह उसी रूप सागर के कोटि कोटि गुणाधिक सुचमत्कारिक जनक अंग सौंदर्य को धारण कर रही हैं। वह अनेक दिव्य दिव्य विचित्र काम कला चातुरी की सीमा हैं एवं श्याम सुंदर के प्रेम रस में बार बार रोमांचित हो रही हैं। श्री राधा कांची नुपुर कंकण मणिमय कुंडल चूड़ा समूह केयूर अंगूठी आदि भूषणों से भूषित हो रही हैं। उनकी नासिका के आगे मुक्ता डोलायमान है एवं स्थूल नितंब देश पर गुच्छेदार विशाल वेणी लटक रही है। सीमांत देश में उज्ज्वल रत्न शोभा दे रहे हैं। वेणी के मूल देश पर सुगंधित पुष्पों की माला है। भाल में उज्ज्वल सुंदर सिंदूर बिंदु स्वर्ण चंद्र की शोभा प्रकाशित कर रहा है। वह बार बार भूभरंगी समूह के अनंत कोटि कामदेव की सृष्टि करती है। उन्होंने नृत्य परायण लोचन खंजनों की कला विद्या पर अधिकार पा लिया है एवं लीला से चंचल कटाक्ष काम बाणों के द्वारा स्तब्ध प्रियतम श्री कृष्ण को बार बार मोह प्रदान करती हैं। जो लज्जा युक्त मृदु मधुर मुस्कान रूप ज्योत्सना प्रकाश की चमत्कारिता के द्वारा एवं सुशीतल अमृत रस बिंदु से भी अधिक स्वादिष्ट आलाप आदि के द्वारा मन को हरण करती हैं। प्रकाशमान दाड़िम के फूल की भांति कांतिमय अधरों की असीम माधुर्य से मंडित हो रही हैं एवं लावण्यामृत पूर्ण सुंदर चुबुक पर एक श्याम बिंदु धारण कर परम शोभायमान हो रही हैं। अति स्निग्ध सुकोमल विशाल महालावण्य वन्यामय गंडस्थलों की शोभा स्वर्ण से जड़ित दर्पण में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित हो रही है। जिनकी मुक्तावत अनुपम सुंदर दंतपंती
तांबूल की लीला युक्त होकर अति सुवक्कड़म दाणिम अनार के दानों के भांति अति शोभा को दे रही है। जिनकी तिल के पुष्पवत सुंदर नासिका में मणि और स्वर्ण खचित सुंदर मुक्ता शोभित है एवं कामदेव के अद्भुत दो स्वर्ण भालों तरकसों की भांति नासिका की सुंदर शोभा है। मोहन अधर एकमात्र तांबूल के रस की रेखाओं से रंजित है एवं इसलिए रसमय प्राणेश्वर के दंत क्षय से हुआ श्याम चिन्ह भी नहीं दिखता। इन मोहन अधरों से वे जवा पुष्प से भी अधिकतर लाल वर्ण धारण कर से शोभित हैं। नाना रत्नों से जटित पदक अद्भुत कंठहार एवं एक लड़ी कंठिका धारण करने से उनका कंठ व त्रिरेखांक युक्त कंठ अति उज्ज्वल हो रहा है। समस्त सौंदर्य की खान मुकुलाकृति बिना खिले पुष्पवत रस से भरपूर एवं उच्च शोभामय स्तनों के साथ मिलित कुंचकी के ऊपर चमकते हुए हारों की शोभा से जो अति मनोरम हो रही हैं, जो लावण्यमय तरंग युक्त त्रिवली त्रिभंगी सलित सहित सुललित क्षीण उदर के महासौंदर्य को धारण कर रही हैं, जिनके शोभा राशि पूर्ण नितंबों पर दिव्य लाल वसन शोभा दे रहा है। सुस्निग्ध उज्ज्वल दिव्य स्वर्ण कदली खम्भ के अदृश्य जंगाओं की दीप्तिमय एकमात्र माधुर्य रसमय कांति तरंगों के द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को चमत्कार जन्माती हैं। ज्योति राशिमय सुंदर जानियों के एवं अति सुंदर जंगारूप मृणालों के सौंदर्य को धारण कर रही हैं। प्रफुल्लित पद्म पद्म युगल असीम महामाधुर्य सौंदर्य से शोभित हो रहे हैं। उनका प्रति अंग अद्भुत रूप सौभाग्य महामाधुर सुस्निग्धता एवं श्री श्याम सुंदर के प्रेमजनक अनेक विकारों के कारण अतीव कांति चमत्कारिता की वर्षा कर रहा है। उनके सर्वांगों में बार बार पुलकावली होती है। नित्य उन्मादकारी श्याम सुंदर के अति उन्नत अभंग कुटिल नित्य स्थायी रति प्रसंग में ही आनंदित होकर वह प्रति अंग में कामालस्य सौंदर्य धारण कर रही हैं। माधुर्य धारा वर्षणकारी अनर्वचनीय किसी महाव्याकुलतापूर्ण वाक्य के द्वारा वेश रचना कार्य में भी सखियों को असमय पर व्याकुल कर देती हैं। श्री श्याम सुंदर के अंग अंक में वह आलस्य युक्त अंग अर्पण कर तांबूल प्रदान व्यजन आदि सेवा तथा प्रेम सहित धीरे धीरे पाद संवाहन आदि के द्वारा दासीगणों से सम्यक प्रकार से सेवित हो रही हैं। प्राणेश्वर श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र का मधु तथा चर्वित तांबूल बार बार स्वयं ग्रहण करती हैं एवं मृदु मधुर हास्य पूर्वक अपने मुखचंद्र का मधु तथा संचर्वित तांबूल उनको भी प्रणाम करती हैं, उनको भी पुनः पुनः प्रदान कर देती हैं। कोई एक अनर्वचनीय श्याम किशोर चंद्र अनेक प्रकार की कंदर्प लीला की कला चातुरी से अतिशय सौभाग्यवान होते हुए भी अपार चमारित चमत्कारिता धारण कर श्री राधा की महाअनुराग विभूति के द्वारा लावण्य एवं मधुर प्रवाह सहित निरंतर दुर्दर्मनीय काम के वशीभूत होकर उसी श्री राधा के साथ क्रीड़ा करता है। नव नव अनंग रग में आतुर गौर श्याम दिव्य मोहन तनुधारी नित्य किशोर अवस्था युक्त बेअद्भुत श्री युगल विग्रह श्री वृंदावन मंडल के अति निवृत्त कुंजों में बार बार प्रेमोत्कंठ से पुलकावलीवश कदम आकृति धारण करते हैं। ऐसे दिव्य राधा कृष्णा का मैं स्मरण करता हूँ। अहो वही अद्भुत किशोर अवस्था एवं वही सुचमत्कारीमयी श्री श्यामा श्री राधा वही अशेष मोहन सौंदर्य और वही लीलाएं एवं वही अद्भुत अश्रु पुलक स्तंभवादी भाव और श्री हरि की वही श्री राधा वश्यता आदि मेरे चित्त में चमत्कार विधान करे यही मेरी प्रार्थना है। अहो वही श्री वृंदावन माधुर्य वही निकुंजों की मधुरिमा आहा वह कामांध गौर श्याम श्री युगल किशोर की माधुरी एवं दोनों का परस्पर वार्तालाप उत्साह छल पूर्वक स्पर्श परिहास एवं केली समूह का महा अद्भुत माधुर्य ही मेरे चित्त में स्फुरित हो यही मेरी प्रार्थना है।
समस्त आनंद राशियों के सार का जो परम असीम समुद्र है। श्री राधिका दासियों के आगे जो अनुनय करते हैं, काम कला विद्या के जो पारगामी हैं, जो नित्य काम विप्लव दशा को प्राप्त हैं, श्री वृंदावन में निरंतर विहार करने वाले उन श्याम किशोर में मेरी कोई अनर्वचनीय आश्चर्य में रति हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री वृंदावन नामक वन श्री वृंदावन की ही भांति शोभा दे रहा है, जहाँ श्री राधा कृष्ण के सदृश ही एकमात्र मधुर रसाकृति श्री राधा कृष्ण निरंतर विराजमान हैं, एवं उन युगल किशोर में ही गत प्राण तथा उन्हीं का आत्मस्वरूप श्रेष्ठ सखियां दोनों के रस में सराबोर होकर निरंतर आनंद प्राप्त कर रही हैं। श्री वृंदावन अनूर्ध समान, जिसके समान एवं उससे अधिक कोई नहीं है, धाम है, समस्त रसों के सार अनूर्ध समान श्री राधा कृष्ण सर्व शिरोमणि ही हमारी एकमात्र गति हैं। अपने प्राणेश्वर युगल किशोर के क्रीड़ा रंग को वह असमूर्ध समान या अनूर्ध समान मोहिनी सखी मंडली वैदग्धि चतुरता के द्वारा निरंतर परिपुष्ट कर रही हैं। अहो मूर्खता, अहो अज्ञता, ऐसा दुर्भाग्य जो सांसारिक महान व्यक्ति होते हुए भी महानंद स्वरूप इस वृंदावन में मेरा प्रेम नहीं हुआ। अहो महत्तम व्यक्ति होकर भी इस प्रकार महानंद कंद श्री वृंदावन का जो आश्रय नहीं करता, उसे तो नीचतम ही कहा जाएगा। आनंद घन रस के मूल श्री वृंदावन में भी मेरा चित्त अनुरक्त नहीं होता, तो ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य आदि मेरा क्या करेगा। विद्वान कुलीन सुशील गुणी एवं रूपवान होते हुए भी मुझे धिक्कार है, क्योंकि वृंदावन के प्रेम रूप प्राणों से रहित व्यक्ति तो शव के ही समान है। महाशोचनीय से भी अधिक शोचनीय हूँ मैं, महामूर्ख से भी अधिक महामूर्ख हूँ, क्योंकि जो शीघ्र ही सब कुछ त्याग करके वृंदावन का आश्रय नहीं करता, वो तो मूर्ख ही कहलाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण तो दूर हैं, उनकी प्राप्ति मेरे लिए कठिन है। महाकलयुग आ गया है, इसलिए श्री वृंदावन की रति के बिना श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। अहो विष्टाभोजी शूकर पशु की भांति उत्फुल्ल दशा प्रसन्नता को प्राप्त वही हो सकता है जो मूर्ख आनंद सागर वृंदावन का आश्रय नहीं करता। हाय श्री वृंदावन त्याग कर जो और कार्यों में मेरा मन उत्साह होता है, जो जानबूझकर परामृत को थुत्कार कर विष का ही भोजन करना चाहता है। अनेक यश कीर्ति से दसों दिशाएं पूर्ण हो चुकी हैं, विश्व का अनुरंजन कभी कर लिया, किंतु हाय श्री वृंदावन भी श्री युगल किशोर राधा कृष्ण की ओर देख मात्र भी नहीं सका। अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो पागल हो गया हूं, जो कुछ प्रलाप करता हूं उससे ही क्या होगा। श्री वृंदावन के आश्रय के बिना ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि सब व्यर्थ हैं। यदि कोई मुझे यह चोर है पतित है इन वाक्यों से कठोर भर्त्सना करे, तर्जना गर्जना पूर्वक अच्छी तरह ताड़न करे, बांध दे, सब लोग निरपराधी मुझको सर्वत उद्विग्न करें, अथवा यदि मुझको अतीव असह्य मन पीड़ा भी प्राप्त हो, किंबा अनेक प्रकार के दुखों के द्वारा उत्पीड़ित भी हो, फिर भी मेरा यह शरीर तो इसी वृंदावन में ही पात हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री वृंदावनधीश्वरी प्रेमानंद रसमय सागर के सुगनीत श्री वृंदावन चंद्र की मुख्य अमलारती निरंतर दान करती है, श्री वृंदावन भी तदरसात्मक हो रहा है, और सौंदर्यमयी सखी मंडली भी तादात्म भाव में अद्भुत स्नेहवश के कारण सदा सर्वदा अश्रुपुलक आदि युक्त होकर विराज रही हैं। श्री वृंदावन के कालंदी पुलनों के कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर लता मंडप में दिव्य किशोरी गणों से सुंदर उपहारों के द्वारा भली भांति सेवित उन आश्चर्य लीला में गौर श्याम युगल को कब में तद्भावित आकृति स्फूर्ति के साथ नित्य परिचर्या करूंगा।
जिनके चरणों में नूपुर बज रहे हैं। विशाल कटी देश में मेखला शोभित है। मध्य वेश जिनका छीण है, जो किशोर अवस्था युक्त हैं, जिनके मुकुल स्तनों पर उज्ज्वल तारों के हार डोलायमान हैं, बेड़ियों के गुच्छे इधर उधर लटक रहे हैं। सुंदर नासिकाओं में स्वर्णमणि जटित मुक्ता है, विचित्र पटले वस्त्र धारण कर रही हैं। ऐसे स्वर्ण वर्ण कांति युक्ता श्री राधिका दासियां मेरे हृदय में स्फुरित हों। जिनके हृदय में श्री राधा की चरण किंकिरी का पद नख प्रांत भी स्फुरित होता है, वह रूपवती नवीन तरुणी को जो सौंदर्य एवं लीला माधुर्य से मुनियों को भी मोहित कर सकती है, तथा जो अपने प्रति अनुरक्त चित्र है, भावोत्सव प्रकाश करने वाली है तथा परम दिव्या है, ऐसी उस नारी को भी थुत्कार देता है। श्री वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों के ज्योति समुद्र के श्रृंगार रस मूलक लीला रूप कैशोर आदि द्वारा अभिव्यक्त अति दिव्य उन श्री वृंदासी वृंद के दर्शनों की मैं इच्छा करता हूँ, जो तप्त स्वर्णवत सुंदर गौरवर्ण अंगरता धारण कर रही हैं, जो नवीन यौवन मंडित अपार लीला एवं कांति युक्त हैं, जिनकी बेड़ी विशाल जंघाओं पर खेल रही है, जो आश्चर्यमय कांति युक्त हैं एवं नव स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु के द्वारा भी दर्शन योग्य स्तनों की शोभा धारण कर रही हैं, नव नव रससार आस्वादन जिनके जिनका मुख हास्य युक्त है, नवीन नवीन रस में क्रीड़ा करने वाले जिनके विशाल नेत्र खंजनवत शोभित हो रहे हैं, जिनकी सुबलित शोभापूर्ण बाहुएं लताओं में सुंदर कंकड़ों सहित दिव्य बाजूबंद विराजमान हैं, जिनके कानों में दिव्य रत्नमय कुंडल शोभित हैं, जिनकी नासिका में सुंदर स्वर्ण रत्न खचित मुक्ता लटक रहा है, जिनके कंबुकंठ में अनेक प्रकार के स्वर्णहार चमक रहे हैं, जिनके केयूर एवं शिखा में अनेक मणि माणिक के शोभा दे रहे हैं, जिनकी अंगुलियों के सुंदर मणि जटित मुद्रकाएं शोभित हैं, जो स्तनों की कांति से उद्भासित चोलिका पहन रही हैं, जिनका मध्य देश परम रमणीय एवं मुष्टिग्राह है, जिनका नितंब देश उज्ज्वल मणि नीलमय मेखला से एवं चरण कमल मनोहर नूपुरों से विभूषित है, जो लीला क्रम से वस्त्र खींचने वाले अतिवरस चंचल प्रीतम को देखकर लज्जायुक्त मुस्काती हुई उसे वस्त्र को बार बार वक्षस्थल पर धारण करती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिपद में नवीन रंग की आनंदमय मंद मुस्कान रूप तरंग में जिनका मुखचंद्र प्रफुल्लित होता है एवं जो उल्लास में आकर पुलकित हो रही हैं, हास्य सहित सखीगण जिनको कुछ कुछ अनर्वचनीय कहते हैं एवं जो नेत्रों से कोई कोई चांचल्य प्रकाश करती हैं, जिनकी देहलता रस में भाव में कुछ कुछ झूमती हैं, ऐसी श्री राधा जी कब मैं सम्यक प्रकार से मन में कुछ कुछ और आराधना कर सकूंगा। हृदय पर सत्सत वाक्य बाणों के प्रहार हों, चाहे सिर पर सत्सत पद प्रहार ही हों, सत्सत उपवास निश्चित ही होते रहें, तो भी उन जीवन धन गौर न्याल नील रसघन समुद्र श्री युगल किशोर राधा कृष्ण को स्मरण करते हुए से वृंदावन में आनंद पूर्वक वास करूंगा। तुमने जन्म जन्म में प्रिय वधु के माला चंदन आदि का भोग किया है, किंतु अहंकार तो शांत नहीं हुआ, बहुत सुयश प्राप्त कर लिए तथा समस्त शास्त्रों का भी तुमने अभ्यास और अध्ययन कर लिया है, किंतु मोह तो नाश नहीं है, अतएव समस्त विषयों से वैराग्य करके महाआनंद की प्राप्ति के लिए श्री वृंदावन का भजन कर। क्षीण नाड़ी युक्त एवं अमार्जित शरीर युक्त जटा एवं कंथा फटे वस्त्रों की कोपिन धारण करते हुए अति शांत स्वभाव युक्त एवं चुपचाप रहकर तथा समस्त अधमों से भी महाअधमवत बहुत दूर रहते हुए श्री राधा रानी के चरणों की सेवा में विलीन हृदय होकर श्री वृंदावन में कृतार्थ हों, यही मेरी एक प्रार्थना है। यदि कुबेर का धन प्राप्त हो जाए तो उसका भी क्या फल है,
यदि बृहस्पति जैसी सुवाणी प्राप्त हो तो उससे भी क्या, महेंद्र के लोक का ऐश्वर्य मिले तो उससे भी क्या लाभ, कामदेव जैसा सुंदर शरीर मिल जाए तो उससे क्या, तपस्या योग आदि की सिद्धि से क्या प्रयोजन है। क्योंकि श्री वृंदावन नामक धाम से जो सुख जो व्यक्ति विमुख है उसी के लिए सब विडंबना मात्र है और ये सब सुख स्वरूप है। लेकिन जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए तो ये सब वस्तुएं तुच्छ ही हैं। जहाँ सदा काम चंचल राधा मधुपति नृत्य क्रीड़ा करते हैं, जो धाम विद्यामय एवं अविद्यामय समस्त धामों के ऊपर प्रकाशित है, अपने माधुर्य उज्ज्वलता आदि के द्वारा जिसने और सब धामों को पराजित कर दिया है, अहो ऐसे भौम श्री वृंदावन को कौन नहीं भजता। जो ये स्वयं प्रकाश एवं शुद्ध चित्त रसात्मक हैं, जिसमें स्थित समस्त स्थावर जंगम आदि भी उसी की भांति स्वयं प्रकाश व शुद्ध चित्त रस घन है, एवं कृष्ण प्रेम रस समुद्र में जो मग्न हैं, जो वेदांतियों की दृष्टि के अगोचर हैं, ऐसे अविचिन्त्य महामहिमा युक्त इस भौम श्री वृंदावन में यदि मूर्ख लोग दोषों को देखें तो उससे अंतर्दृष्टि युक्त हृदय के नेत्र जिनके खुल चुके हैं पुरुषों की क्या हानि। वह श्री वृंदावन सौंदर्य में अनंत है, माधुर्यपूर्णता में अनंत है, ज्योति विस्तार करने में अनंत एवं कृष्ण प्रीति रस में भी अनंत है, कृपा एवं उदारता में अनंत है, अपनी महिमा में भी अनंत है। इस श्री वृंदावन को यदि कोई भजता है तो उसके भाग्य अनंत हैं। हे प्रियतम परमानंदमय श्री वृंदावन, यदि आज मैं लाख दिव्य नेत्रों से तुम्हारे स्थावर जंगमों की शोभा दर्शन करूं, लाख नासिकाओं के द्वारा तुम्हारी सुगंधि सेवन करूं, अनेक कानों के द्वारा यदि उदार गुणावली श्रवण करूं, करोड़ों चरणों से यदि तुम्हारे बीच में भ्रमण कर सकूं और कोटि कोटि हाथों एवं मस्तकों के द्वारा तुम्हें नमस्कार करूं, तो भी मेरी तृप्ति नहीं होगी। यदि कान इस श्री वृंदावन के दोषों को सुने तो उसमें कील गड़वा देना चाहिए, यदि जीवा भूल कर इन दोषों का उच्चारण करे तो वह काट देने की योग्य, यदि नेत्र उन दोषों को देखे तो उनको निकलवा देना चाहिए, यदि मन में इन दोषों का विश्वास जम जाए तो प्राण त्याग कर देना ही कर्तव्य है। वे समस्त कान आदि इंद्रियादि गण चंडालीवत अस्पर्श एवं त्यागने योग्य हैं, क्योंकि यह श्री वृंदावन धाम तो परमतम महत्तम वस्तु है, परम चिन्मय है। हे श्री वृंदावन, मैं चंद्र में भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक रजकण भी स्वर्ग की अप्सराओं के संग के सुख को भी अति तुच्छ बना देता है। हे कुबुद्धि मनुष्यों, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय इस श्री वृंदावन के लता वृक्ष गुल्म आदि का भली प्रकार आनंद प्राप्त करो। कोटि कोटि मंदार स्वर्ग के पांच प्रकार के वृक्षों में से एक वृक्ष का जो नाम है, वृक्षों से तुम्हें क्या लाभ होगा, वृंदावन के वृक्षों का ही तुम आश्रय लो। श्री राधा मुरलीधर के परम धन इस श्री वृंदावन में क्षुद्र कृमि होना अच्छा है, परंतु अन्य स्थान पर भगवत पार्षद श्रेष्ठ होने का भी मैं उत्साह नहीं करता। जो प्रबल अनुराग से श्री वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है एवं सुनता है वह श्री हरि को ही ऋणी करता है। समस्त गुणों की खान श्री वृंदावन नामक इस श्रेष्ठ वन में श्री राधापति के रति रंजित निकुंज वन में प्रीति स्थापन कर। हे श्री वृंदावन, यदि तुम्हारे वन में तृण बन कर भी रह सकूं तो हाथ में रखी सुतलित वैकुंठ लक्ष्मी की भी मैं आंख उठाकर नहीं देखूंगा। श्री वृंदावन में मेरी घोरतर दुख दशा भले ही हो जाए, फिर भी अन्यत प्राकृत एवं अप्राकृत समस्त ऐश्वर्यों को मैं नहीं चाहता। श्री वृंदावन के प्राणी यदि हर क्षण मेरे लिए महाघोर उपद्रव भी करें तो भी तत्व को देखते हुए मेरी उनके प्रति सदा भक्ति बनी रहे। श्री वृंदावन के चोर भी सर्व पुरुषार्थ चिंतामणि स्वरूप हैं, एवं लक्ष्मी विष्णु आदि देवतागण भी उन्हें स्पर्श करने की इच्छा करते हैं। श्याम रसमय अद्भुत वनों से युक्त श्री वृंदावन में एक पशु एक पक्षी और एक तृण अथवा एक रजकण होना भी अगर मैं हो सकूं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
श्री राधा मुरली मनोहर के चरण विलास से धन्य हुई। इस श्री वृंदावन भूमि में यदि किंचित मात्र भी प्रीति हो तो मैं उसे ही परम पुरुषार्थ मानता हूँ। वे श्री युगल किशोर अति कौतुकवश श्री वृंदावन में घूम रहे हैं। महाआश्चर्य कर्ण रसायन अति मधुर परस्पर सुंदरवाणी बोलते हैं। एक दूसरे को अधिक रमणीय वस्तु की सुचमत्कारिता दिखाते हैं। एवं देखो देखो ना, सुनो सुनो, इस प्रकार प्रीतिपूर्वक कहते हैं, मैं राधा कृष्ण के इस स्वरूप का ध्यान करता हूँ। श्री कृष्ण अनुराग की परम पराकाष्ठा प्राप्त एवं उनके रूप शोभित के परम कांति युक्त तथा श्री राधिका के परम अधिक सौंदर्य से मंडित मुख्य धाम श्री वृंदावन का ही मैंने आश्रय कर लिया। श्री यमुना पुलिन में श्री वृंदावन की मोहिनी कुंजों में श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में एकमात्र दास भाव में मेरी आशा वृद्धि हो। श्री वृंदावन टीवी के मंजुल कुंजल मंडल में कंदर्प लीला में दिव्य मूर्ति श्री राधा मुरली मनोहर के एक साथ ही सेवा करने के लिए उसकी परम रसमयी आशा नहीं होती। लक्ष्मी आदि देवीगण भी श्री राधा के चरण कमलों की सेवा की आशा तक भी नहीं कर सकती, किंतु वे वृंदावन मैं आपके प्रभाव से किसी भी भाव योग्य से प्रबल इच्छुक हो रहा हूँ। बेमूड लक्ष्मी आदि के लिए भी सुदुर्लभ इस वृंदावन के त्याग कर कहाँ जाता है। यहाँ ही तो सर्वाधीश्वर का ऐश्वर्य परम अमृत एवं सुदुर्लभ भक्ति समूह मिलते हैं। हरि हरि, आश्चर्य में श्री हरि श्री राधा की नित्य स्थली कार रंगमय महारातिर राति मधुर आनंद घन उच्च तरंगों युक्त इस श्री वृंदावन कुंजों के भीतर आपके बहुविध रूप आदि की स्फूर्ति के बिना भी कोई प्रवेश कर सकता है क्या? ऐसा दिव्य श्री वृंदावन धाम है जहाँ श्री राधा कृष्ण का विचित्र काम कला समूह आनंद राशि की चमत्कारता विधान करता है। जहाँ निवास करने की निष्ठा रूप दीक्षा लेने से परम सुख की चमत्कारता प्राप्त होती है, और वहाँ श्री युगल किशोर में जिसको परम अद्भुत ममता बुद्धिवश प्रतिक्षण ही उल्लास होता है, उस श्री वृंदावन सीमा में रहने वाले अति सुमहा उदार पुरुष की मैं स्तुति करता हूँ। श्री यमुना तटवर्ती सुमोहन लता कुटी में विहार करने वाले प्रतिक्षण ही रति लंपट जो श्री युगल किशोर हैं, जो अपने कांति से स्वर्ण चंपक एवं नीलकमल को भी तिरस्कार करते हैं, उनके मन को सुंदर परिचर्या से ही कामदेव ही तुष्ट कर सकता है। काम के वसे भूत स्वर्ण चंपक एवं नीलकमल पद्धति वाले मधुर श्री वृंदावन में विराजमान नवीन युगल किशोर को स्मरण कर, जिनके नेत्र वाक्य एवं देह विलास आदि के चमत्कार महामाधुर्य समूह में धन्य सखीगण भी मूर्छित हो जाती हैं। जड़ मलिन महादुखसार समस्त सतरज तमोगुणमय समुद्र के पार जाकर एवं ज्योतिर्मय महासुद्र को भी उल्लंघन करके श्री भागवत धामों का दर्शन कर, अहो वहाँ के सुख को आस्वादन करते करते श्री वृंदावन नामक सबसे ऊंचे धाम में प्रवेश कर एवं श्री राधा रानी की रसमय कुंजवाटी का अन्वेषण कर। यदि तू अति सुचतुर एवं प्रेम सुख की अद्भुत संपत्ति युक्त होना चाहता है तो निरंतर हृदय में मनोहर श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की कंदर्प लीला मंडित सुंदर कुंज में रहकर अपने स्वामी श्री युगल किशोर राधा कृष्ण की निरंतर सेवा का सुख आस्वादन कर। कोई कोई महाभाग्यवान गाढ़ प्रेम भक्ति पूर्ण भक्त उनकी अर्थात राधा कृष्ण की मुख्य सखी युथेश्वरी के साथ श्री वृंदावन के उत्तम उत्तम कुंजों में नित्य काम तृष्णामय श्री राधा कृष्ण की सम्यक सेवा करते हैं, जिसकी इस अति अद्भुत एवं ईश्वर को भी मोहित करने वाले रसमय श्री वृंदावन में सर्वस्व बुद्धि श्री वृंदावन ही मेरा सर्वस्व है ऐसी निष्ठा नहीं हो सकी है, तो उसके विद्या कुल शील रूप एवं संपत्ति आदि का क्या प्रयोजन है? उसके दान यज्ञ आदि से भी क्या लाभ? बहुत यश कीर्ति का भी क्या फल हुआ? उग्र तपस्या किंवा संन्यास आदि का भी क्या प्रयोजन? यदि उससे तत्व का अनुभव भी कर लिया तो क्या, और विष्णु भजन से भी उसको क्या प्राप्त होगा,
यदि उसने वृंदावन का तथ्य ना समझा। हे श्री वृंदावन, मैं धन्य हूँ, आपके प्रति महाप्रेम का पात्र हूँ, क्योंकि ब्रह्मा, सुखदेव, सनकादि भी जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वह अपना स्थान मुझे वास करने के लिए आपने दिया है, एवं नित्य कैशोर वेश से भूषित तथा नित्य एकमात्र कामरंग परायण गौर श्याम महामोहन श्री युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की आशा भी मुझे प्रदान की है। हे श्री वृंदाटवी, हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदावन, आप कोटि मात्रवत परम स्निग्ध स्वभावा हो। आपके परम आश्चर्यमय स्वभाव प्रभाव को रमा, शिव आदि देवगण नित्य चिंतन करते हैं। आप अपने स्थान का यदि दर्शन कराती हैं, एवं सर्वश्रेष्ठ जन भी जिस स्थान की खोज करते हैं, वह वास स्थान भी यदि देती हैं, तो फिर अपने दासों को सेवा करने वालों को क्या दे नहीं सकती, सब कुछ दे सकती हैं। अनधिक समरूप लावण्य लीला वेदग्धि आदि के द्वारा निरंतर एक दूसरे का गाढ़ अनुराग बढ़ाने वाले आनंद घन समुद्र की चमत्कारी रसधारा बरसाने वाले नित्य श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा कृष्ण की आनंद पूर्वक सेवा कर। अनंत चित ज्योत्सनामय रस समुद्र का प्रवाह इधर उधर फैलकर गोलोक से अखिल विश्व को संप्लावित कर रहा है। अहो, यह श्री वृंदावन सबके ऊपर विराजमान होकर अति विमल विशाल मधुर चंद्र के समान मेरे निकट प्रतिभावित हो रहा है। त्रिगुणमयी माया विरचित जगत की बात तो सर्वथा लुप्त हो चुकी है। सुखमय विष्णु लोक भी खद्योतबत और नहीं सुहाते। और क्या कहूँ, अपने सिवा अन्य अन्य समस्त धामों के सुखमय भावों को पराजित करने वाला यह श्री वृंदावन ही अपनी कांति से अतिशय दीप्तमान हो रहा है। यदि श्री हरि हरिचरण के प्रेम आनंद राशि से पूर्ण श्री राधा पर पद रसाभिक्त वनराज श्री वृंदावन की विडंबना तिरस्कार करे, तो फिर और क्या कहा जाए। अहो, करोड़ों जन्मों के पश्चात भी मुझे एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें मैं श्री वृंदावन वासियों का एकमात्र उच्छिष्ट जूठन ही के लिए स्फ्रायुक्त हो सकूं, ऐसा मेरा भाग्य कब होगा। हरि हरि, मुझे धिक्कार है, क्योंकि अति तुच्छ एवं अपना स्वार्थ अभीष्ट विनाश करने वाले लोक धर्मों में अति आसक्त होकर मैं वृंदावन वास को भी नष्ट कर रहा हूँ। सब पापों का प्रायश्चित महत्पुरुषों का अपराध हो जाने पर परम शरण लेने योग्य समस्त स्वर्ग स्वधर्म शिरोमणि एवं पुरुषार्थ चूड़ामणि केवल श्री राधिका विपिन श्री है वृंदावन ही है। हे प्रिय, हे वृंदावन जीवन, अति तुच्छ लोक रंजन एवं इस विष्टापात्र शरीर में आसक्त तथा स्वार्थ नाश करने वाले लोगों का संग त्याग कर। जो कोई भी श्री वृंदावन के त्रिणगुल आदमी का सच्चिदानंद घन मूर्ति में निष्दिन दर्शन करता है एवं उनको भक्तिपूर्वक निरंतर प्रणाम करते हुए यहाँ श्री वृंदावन में वास करता है, उसको भाग्यवान पुरुष भी नमस्कार करते हैं। जहाँ जहाँ श्री राधा की मणिमामय नूपुरों की ध्वनि संयुक्त चरण को प्रेम पूर्वक स्मरण करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रयुक्त भाग्यवान पुरुष ही श्री वृंदावन में वास करते हैं। श्री वृंदावन श्री कृष्ण प्रेम सुधा रसात्मक है एवं उसके समस्त स्थावर जंगम भी चिदघन है। तुम्हारा रूप भी उसी प्रकार चिदघन है। अतएव तू समस्त बाहर दृष्टि त्याग कर एवं लोक धर्मों में अनासक्त होकर नित्य अपने स्वरूप श्री राधादासी स्वरूप में स्थित रहकर श्री राधिका के चरण तल में निवास कर। श्री राधा एवं उनके प्रिय श्री श्याम सुंदर के पाद पद्मों के सेवा रूप अति उत्कृष्ट रस सागर में निमग्न होकर देह अध्यास भूलकर कब मैं श्री वृंदावन में निवास करूँगा। श्री वृंदावन वास करने के लिए कोटि अधर्म हो या कोटि कुकर्म हो, समस्त सहन करने में कोई अनर्वचनीय स्थान स्वार्थ संपादन करूंगा। अनंत एवं ज्योतिर्पूर्ण आनंद दोहन करने वाले अनंत भावों से उल्लास पूर्वक श्री राधा कृष्ण में अनुराग करने वाले एवं अनंत ईश्वरों की विभूतियां जिनकी अंजलि में समाई हुई हैं,
ऐसे श्री वृंदावन के समस्त प्राणियों को नित्य नमस्कार करता हूँ। अनंत चंद्रों के दिव्य चंद्रिका के समूह में निमग्न, अनंत चमत्कार समूह की स्वशोभित एवं श्री हरि की अनंत अनुराग में व्याकुल शरीर युक्त श्री वृंदावन के पक्षी आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्य पुष्प पल्लव आदि एवं रमणीय लताओं से जो शोभित हो रहा है, जिसके द्वारा दिव्य पुष्पों के तोरण आदि से सुसज्जित है, जिसके भीतर सखियों द्वारा रचित दिव्य पुष्पों की सैया एवं सर्वत्र दिव्य दिव्य रत्न दीप विराजमान हैं, जो दिव्य काव्य नाट आदि को पाठ करने वाले शारी सुख आदि से सुंदरतापूर्ण हो रहा है, दिव्य मधुकरों की गुंजार से मुखरित एवं अत्यंत सुंदर हो रहा है, जो कोकिलादियों की ध्वनि से एवं अनेक संगीतों से गूंज रहा है, मृदु मधुर शीतल दिव्य सुगंधि युक्त वायु रंध्रों में से प्रवेश कर जिसकी अंतरंग भाव से सेवा कर रहा है, जो दोनों की प्रिय वस्तुओं को सुसज्जित करने होने के कारण लोभनीय हो रहा है, ऐसे अति मनोहर कुंज मंदिर में काम विभल उन गौर नील छवि श्री युगल किशोर को स्मरण कर श्री गोवर्धन गिरिराज के निकट मोहन महाज्योतिर सिंधु उत्थापित हो रहा है, उसके सामने सच्चिदानंदमय ज्योति समूह बिंदुवत प्रतीत होते हैं, उसका एक कण सुधा समुद्र के कोटि माधुर्य को भी हरण करता है, उसके भीतर वृंदावन का यह महाशोभामय वनराज शोभित हो रहा है, जिसके एक बिंदु में ही सर्वानंद रस भरा हुआ है, ऐसे एक महा आनंद के समुद्र को प्रवाहित करने वाला साक्षात लक्ष्मी देवी के हृदय एवं नेत्रों को आकर्षण करने वाले सौंदर्य से मंडित एवं विशुद्धानंद रस के एकमात्र सार की सुचमत्कारी वर्षा करने वाले सुगंधि उज्ज्वलता स्वच्छता कोमलता एवं माधुर्य के आधिक्य में सर्वाश्चर्यमय यह श्री वृंदावन अति अद्भुत है। प्रफुल्लित दिव्य मल्लिका लवंग जाति युतिका कदम एवं अनेक चंपक एवं स्थल पदम समूह शीरीष कुंद केतकी केशु आदि मनोहर माधवी लता आदि अनंत पुष्पलता समूह प्रियंग नाग केसर अशोक कर्णिकार एवं प्रफुल्लित मालती लता नवमालिकी स्वर्ण युतिका आदि नानाविध झंटिका सुगंधित बंदूक पुष्प तथा प्रफुल्लित हयारे कुब्जक आदि पुष्पमय वृक्षों से यह वृंदावन सुसज्जित हो रहा है, जिनमें विचित्र पल्लव निकल रहे हैं, जो विचित्र पुष्पों से लदे हुए हैं, जो विचित्र पत्र मंजरी एवं विचित्र गुच्छ स्तवक युक्त हैं एवं विचित्र सुगंधिपूर्ण विचित्र मधु वर्षणकारी एवं विचित्र कांति युक्त हैं, ऐसे उज्ज्वल वृक्षों से यह श्री वृंदावन मंडित है। यह श्री वृंदावन श्री राधा कृष्ण की गुप्त कथा पाठ करने के कारण आश्चर्यमय महा माधुर्यपूर्ण श्री सुख कारिकाओं की उच्च ध्वनि से अत्यधिक आनंद प्रदाता है। कानों को आनंद देने वाले कुह कुह का अव्यक्त मधुर आलाप करने वाली कोकिलाओं से मंडित है। नृत्य करने वाले मत्त मयूरों से एवं नानाविध पक्षियों के आनंद कोलाहल से उखरित हो रहा है। उसमें श्री वृंदावन में मनोहर कुंज समूह है, जो शोभा संपत्ति एवं दिव्य प्रचित्र रत्न लतिकाओं की आनंदमय पुष्प लक्ष्मी से असमूर्धता की प्राप्ति हो रहा है, और उसमें उत्तम उत्तम उपकरणों से सुसज्जित अति उत्कृष्ट सैया विद्यमान है एवं चारों ओर श्री राधा माधव की भोजन एवं भोग्य की वस्तुएं शोभित है। इस प्रकार सर्वत्र केवल आनंद का ही साम्राज्य प्रतीत होता है। अहो, इस प्रकार कुंज मंडल के भीतर महामनोहर कुंड है, जो आनंद घन महारस रूप निर्मल अमृत जल से सदा पूर्ण रहता है। उसके चारों तीर रत्नों से बंधे हुए हैं, घाट भी उत्तोत्तम रत्नमय सीढ़ियों से मंडित है। उसके किनारे पर कदम्ब वृक्ष की छाया पर मणिमय दीवार शोभित है। परम प्रीतम श्री युगल किशोर को आनंद देने के लिए उसमें श्री कुंड में कहीं गंभीर कहीं थोड़ा जल है। उनकी प्रीति के लिए स्थल स्थल पर अनेक प्रकार के दिव्य रस पान करने के लिए विद्यमान हैं। उनके कौतूहल के लिए आश्चर्यजनक कमल उत्पल आदि भी बारंबार खुलते एवं मुदते हैं।
नानामणि कांतिमय जल में निकुंजावली प्रतिबिंबित हो रही है। असीम महासुगंधि के चमत्कार युक्त निरंतर वर्धनशील माधुर्युक्त पद पद पर अद्भुत रोमांचकारी अनेक उत्पन्न के रत्न पदम कलहार आदि मुख्य मुख्य पुष्पों से समाकीर्ण एवं महासुंदर तथा तीर के वृक्षों की मधुधारा से सींचे हुए जल में कीलापरायण रसिक युगल की उत्तम निकुंज शोभित है, अथवा सखी मंडली को भी विस्मित करने वाला रत्नमय अति सुंदर ग्रह है। मानो वह जल से ही उत्पन्न हुआ है और चारों दिशाओं में ऊपर नीचे स्वच्छ सुंदर रत्न भूमि पर अभीष्ट उपकरण सामग्री सुसज्जित है एवं भीतर भी दिव्य पुष्पों से पूर्ण हो रहा है। अहो महामणिमय उज्ज्वल चारों तटों पर लता मंडप में विचित्र अलंकारों के द्वारा वह कुंड अत्यंत आश्चर्यजनक हो रहा है एवं विचित्र अनेक पंक्ति में प्रफुल्लित कदंब की भांति अद्भुत छटारूप अमृतमय वृक्षों की समृद्धि शोभा से अद्भुत प्रतीत हो रहा है। वह कुंड श्री राधा कृष्ण की काम तृष्णा के अपार सिंधु की महावृद्धि करता है। हे कुंड, हे श्री वृंदावन विनोदी युगल किशोर का आश्चर्यमय केली वैदग्धि समूह, मुझे भी तो बताओ दिखाओ, वह में मेरी प्रार्थना है। श्री वृंदावन में मधुर मधुर गुंजनकारी मनोहर भवनों से संव्याप्त स्वर्ण कमलिनियों के वन में श्री राधा के मुख कमल की भांति भ्रांति में कमलों के चुंबनकारी प्रीतम को श्री राधा अपने मुख चुंबन को ही आश्वासन देती हुई हंसी। इस प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का चतुर्थ शतक समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।